गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीपिका माय फ्रेंड्स में। और आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ मांग टिक्का और दुपट्टे को किस तरीके से यूज करें। तो मैं इसके कई सारे डिजाइन लेके आई हूँ, तो वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी और आप उनको देखिएगा। अभी तो मैंने जो बनाया हुआ है ये हेयर स्टाइल, ये मैंने पोनी बनाई हुई है, सिर्फ साधारण सी पोनी बनाई हुई है। उसके साथ मैंने ये मांग टिक्का लगाया है और ये दुपट्टा लिया हुआ है ड्रेस के साथ। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कैरी कर सकते हो दुपट्टे को पोनी पे डालकर, और एक तरीके से ऐसे कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, पीछे से ऐसा लुक आएगा। और मैंने बहुत सारे डिजाइन बनाए वो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने दुपट्टा डाला हुआ है लॉन्ग दुपट्टा, और अब मेरे को ये मांग टीका लगाना है और किस तरीके से लगाना है वो मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। तो मैंने थोड़े से बाल लिए हैं, मैंने ये स्टाइल बनाने के लिए पहले बालों को बीच में से मांग निकाली और फिर मैंने मांग टीका लगाया हुआ है और उसको पिनअप कर दिया। फिर मैंने दोनों तरफ से बाल उठाए दोनों साइडों से, और उठा के उसका मैंने पफ बनाया इस तरीके से, और फिर मैंने उसको भी पिनअप कर दिया। जितना आपको ऊंचा पफ चाहिए आप उतना ऊँचा बना सकते हो। और ये देखो कितना प्यारा सा स्टाइल बन गया। ये कोई भी गर्ल्स वगैरह करते, और ये स्टाइल बनाने के लिए मैंने क्या करा है, ये वाला स्टाइल बनाने के लिए मैंने पूरे बालों का जूड़ा बनाया और सिंपल सा साधारण सा जूड़ा बनाया है। आप चाहो तो बीच की मांग निकाल सकते हो और ना चाहो तो बीच की मांग को रहने भी दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैंने उसको जूड़ा बनाकर मांग टीका इस तरीके से लगा लिया और फिर उसको मैंने पिनअप कर लिया, और इस तरीके से ये एक नया लुक बन गया। और सिंपल सा साधारण सा ये लुक है, पंजाबी लुक कहलाता है ये, बहुत प्यारा सा। और ये वाला स्टाइल है ये भी बहुत प्यारा सा है, ये इसमें मैंने साइड में लगाया है टीका और इस तरीके से उसको फिर पिनअप करा। फिर मैंने बाल उठाए आगे से और फिर मैं उनको साइड में पफ बनाते हुए ले गई और इस तरीके से मैंने इसको बनाया। ये अलग स्टाइल का हो गया खुले बालों में इस तरीके से। फिर मैंने ये बनाया है साइड का जूड़ा और फिर मैंने उसमें मांग टीका इस तरीके से लगाया है। ये भी बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। मैंने सारे बालों को एक साइड में ले आई, साइड में ला के मैंने सिंपल सा रोल करके जूड़ा बनाया, फिर मैंने उसको पिनअप कर दिया अच्छी तरीके से जिससे जूड़ा खुलने ना पाए। और साइड में ही मांग वगैरह मैंने नहीं निकाली है, सब चीज़ साइड में ही ले आई इस तरीके से। फिर मैंने इसको मांग टीके को इस तरीके से लगा दिया और बहुत प्यारा सा लग रहा था ये। और आप चाहो तो आगे से पप भी बना सकते हो और चाहो तो इस तरीके से लट निकाल सकते हो। और ये तो और भी ज़्यादा प्यारा डिज़ाइन है। मैंने दोनों बीच में मांग निकाली, मांग निकालने के बाद दोनों साइडों में हाफ हाफ बाल कर लिए और मैंने इस तरीके से जूड़ा बनाया दोनों तरफ, दोनों साइड सिंपल सा जूड़ा बनाया मैंने इस तरीके से, और उसको मैंने पिनअप कर दिया जिससे जूड़ा खुलने ना पाए। और फिर मैंने उसमें बीच में मांग टीका लगा दिया था इस तरीके से। ये भी बहुत प्यारा सा लुक है और बहुत अच्छा सा भी लग रहा था। देखो है ना, अच्छा प्यारा सा लग रहा है। और आप चुन्नी भी ऐसे कर सकते हो, और ये तो बहुत ही प्यारा है और देसी है। इस ये तो बिल्कुल आप सारे बाल साइड में मैं लेके आई, मैंने उसमें चोटी गूंध ली, गूंधी हुई चोटी सभी लोग कर लेते हैं, सारी लेडीज़ लोग कर लेती हैं। मैंने उसको साइड में सारे बाल लाकर उनको चोटी करी, चोटी करने के बाद मैंने उनको रबड़ बैंड लगाया। मैंने कोई मांग वगैरह नहीं निकाली थी, लेकिन फिर भी आप चाहो तो बीच की मांग निकाल सकते हो। और फिर मैंने उसको बीच में इस तरीके से लगा लिया। ये तो कॉमन है, सभी लोग कर सकते हैं, बहुत प्यारा सा है।